हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं 2023 KTM Duke 125 cc के बारे में। ओके, अगर आप 125 cc की KTM Duke को परचेस करना चाहते हैं, जो कि न्यू मॉडल है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपके सारे डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे बाइक के डिटेल रिव्यू लाइक फीचर्स सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ ही आपको प्राइस भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये बाइक आपको कितने में ऑन रोड पड़ने वाली है। ओके दोस्तों, बात करते हैं बाइक के स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करें बाइक के इंजन के बारे में। तो दोस्तों, बाइक के अंदर आपको 124.7 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपको इंजन 14.5 HP की पावर प्रोड्यूस करेगा एंड बाइक के अंदर आपको 12 नैनोमीटर का टॉर्क जनरेट करेगा इंजन एंड 6 गियर स्पीड बॉक्स इस बाइक के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। बाइक के अंदर आपको वेट मल्टीप्लाइड क्लच देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट में आपको 43mm के WP अपसाइड डाउन फ्रंट फोक देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बाइक के रियर पार्ट में आपको WP मोनोशॉक 10 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। आपकी कोई भी हाइट है तो आप सस्पेंशन को सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। बाइक के अंदर आपको स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलेगा, ये बाइक आपको ट्रेलिस फ्रेम पर देखने को मिलेगी। बाइक के अंदर आपको 822mm की सीट हाइट, 155mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड 159kg का वेट, 13.4 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। तो डायमेंशंस एंड बाइक के अंदर आपको फ्यूल टैंक काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अब बात करें इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर के बारे में। इसमें आपको फुल डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक फीचर देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करें लाइटिंग सेटअप के बारे में। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेगा, ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, LED DRLs के साथ डे टाइम रनिंग। टेल लाइट आपको काफ़ी अच्छी यूनिक देखने को मिलेगी LED। बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे कंफर्ट फीचर देखने को मिल जाएंगे। वहीं बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे ब्रेक एंड टायर भी देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक के फ्रंट में आपको 300mm के सिंगल डिस्क विद रेडियली माउंटेड कैलिपर के साथ आपको फ्रंट ब्रेक देखने को मिलेंगे। बाइक के अंदर आपको रियर ब्रेक 230mm के डिस्क ब्रेक विद फ्लोटिंग कैलिपर के साथ देखने को मिलेंगे, विद सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। दोस्तों, KTM Duke 2023 125cc के अंदर भी आपको सिंगल चैनल ABS का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके, आपको बाइक के अंदर फ्रंट टायर 110x70 का एंड रियर टायर आपको 150x60 का, ये दोनों ही टायर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ, ऑरेंज कलर के अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छे आपको ब्रेक एंड टायर भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बाइक के टॉप स्पीड और माइलेज के बारे में, जो कि काफ़ी लोगों को नीड रहती है। तो इस बाइक के अंदर आपको 45-50 km/h का माइलेज देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेट। बाइक के अंदर आपको 120 km/h पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलेगी 120 की, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं बाइक के अंदर आपको बाइक 14.7 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर लेगी। तो ऑलरेडी आपको बताया, टॉर्क आपको पिकअप बाइक के अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही बाइक के अंदर आपको न्यूली डिज़ाइन कलर स्कीम देखने को मिलने वाली है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर ऑफिशियल देख ही पा रहे होंगे, फोटोज़ भी देख पा रहे होंगे, आपको इसी तरीके की न्यू डिज़ाइन देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज और सेरेमिक बाइट, ये दो कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बाइक फुल्ली टफ कंपटीशन देने वाली है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, KTM RC 125cc को, यामा की MT-15 को, सुजुकी जिक्सर 155 को, TVS अपाचे RTR 164B को, बजाज पल्सर NS 200 को और यामा की R15B3 को। इन सारी बाइकों को ये बाइक टफ कंपटीशन देने वाली है। तो अगर आप KTM Duke 125cc को परचेस करना चाहते हैं, मैंने आपको सारे फीचर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि ये बाइक आपको कितने प्राइस के अंदर ऑन रोड आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में KTM Duke 125cc 2023 मॉडल आपको एक्सोरूम 1,78,000 के आसपास देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों, ये बाइक ऑन रोड आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के ITU चार्ज के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। हर डिस्ट्रिक्ट का ITU चार्ज डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से आपको ये बाइक पड़ने वाली है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का ITU चार्ज क्या है। एक्सोरूम के साथ उसमें आप ITU चार्ज और लगा दें, उसी हिसाब से आपको ये बाइक ऑन रोड पड़ने वाली है। ओके, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट अवेटेड बाइक है, बहुत ज़्यादा ये बाइक पॉपुलर है, यंगस्टर्स बाइक को बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं
और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बाइक भी है। ओके, बाइक के अंदर आपको पावर के साथ साथ लुक और डिज़ाइन और स्टाइल भी बाइक का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसी वजह से इस बाइक को यंगस्टर और कॉलेज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं। ओके, सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज मिलते हैं आपसे अगली एक ऐसी इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।